हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास विद योर आशु मैम. डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव डन 5.1 एंड 5.2 एक्सरसाइज इन विच वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड आउट एनी मिसिंग टर्म ऑफ एन एपी, हाउ टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म, हाउ टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस एंड वॉट इज एन एपी, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैविंग द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम. सो दिस इज एपी. Now, today we will start 5.3 exercise in which we will learn how to add all the terms of an AP, how to find out the sum of all the terms of an AP. So, let's see. But before starting, dear students, if you like my videos, subscribe my channel and comment on the video and press the bell icon to get the notifications of my upcoming videos. So, let's start. The sum of n terms of an AP. So, dear students, in this picture you can see, first of all I have written the general term formula. General term, that is nth term, an is equal to a plus n minus 1 into d. Then sum of first n terms of an AP. The point to be noted, first n terms of an AP ka jo sum hota hai, that is equal to sn is equal to n by 2. For bracket we'll say multiply n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into d, where a is the first term and d is the common difference. Or we can write down this formula as sn is equal to n by 2 into a plus an. So dear students, note down these formulas again in your notebook before starting the exercise and write down and close these formulas in the form of cloud. So let me explain you the formula also. So dear students, let us assume the general AP A1, A2, A3 and so on up to AN. Last term is given to us. This is the last term. तो मान लो मुझे ये सभी terms को add करना है. Let me explain you by taking an example. Let us say we have an AP with this 3, second term is 5, then 7 and so on up to 99. Means I want to add all the terms of this AP. तो मुझे add करने के लिए, sum करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 plus 5, 8, 8 plus 7, 15, 7 plus 9, 8. तो 8 plus 5, 3 plus 5 is 8, 8 plus 7, 8 plus 7 is 15, 15 plus 9 is 24, 24 plus 11 is 35 and so on. बट इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू ऐड ऑल द नंबर्स. बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो, और हमारी मिस्टेक भी हो जाती है और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो. सो वॉट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स? तो द फॉर्मूला इज sn. sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स. जितनी भी हमारे पास 10 टर्म्स हैं AP में, 20 हैं, 30 जितनी भी हैं, इज इक्वल टू n by 2 into a plus an. This is the formula for to find out the sum of n terms of this AP. Right? हम अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारे पास कितनी terms हैं, for example we have 49 terms, तो as 49 by 2, a is 3, an is 99. Right? तो हमारे पास sum आ जाएगा. But if the last term is not given to you dear students, अगर हमारे पास last term नहीं है तो an की value हम क्या put करेंगे? हमारे पास ए एन कुछ भी नहीं है, इनफिनाइट ए पी है हमारे पास. तो हम क्या करेंगे? वी हैव अनदर फार्मूला विच इज़ बोथ द फार्मूलाज आर सेम, बट वो इसी को एक्सपैंड करके मिला हुआ है. कैसे? एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन. ए एन का फार्मूला हमें पता है क्या होता है. व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ए एन? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो मैंने क्या किया, ए एन की जगह उसका फार्मूला पुट कर दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए के तो ये रहा और ए के हमारे पास ये है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा? एन बाय टू इंटू ए प्लस ए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो हमारे पास ये आ जाएगा द फार्मूला इफ़ वी डू नॉट हैव द लास्ट टर्म. अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो हम डायरेक्टली वी कैन यूज़ दिस फार्मूला एन बाय टू इंटू 2a plus n minus 1 into d, n minus 1 into d. ये यूज़ कर सकते हैं.
और हमारे पास टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये था हमारा टर्म का फॉर्मूला। नाउ डू नॉट गेट कन्फ्यूज, यहाँ सिंगल ए होता है और सम के फॉर्मूला में अगर तो लास्ट टर्म वाला है तो सिंगल ए है, बट अगर एक्सपेंडेड फॉर्म है तो यहाँ पर टू ए आ जाएगा। सो दिस कैन बी अप्लाइड टू इधर, इट इज़ फाइनाइट ए पी और इन्फाइनाइट, ये फार्मूला दोनों में लगता है, बट ये फार्मूला सिर्फ तभी लगा पाएंगे इफ लास्ट टर्म इज गिवन टू अस, राइट। सो नोट डाउन दीज थिंग्स। तो अगर मुझे इस सीरीज का मुझे सम निकालना हो तो पहले तो क्या करूँगी, मैं पुट कर दूँगी, लेट मी पुट द वैल्यूज सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो मुझे पहले इसमें गिवन होगा कि कितनी टर्म्स हैं और फिर मैं उनका सम निकाल दूँगी। सो नोट डाउन दिस। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर वन, लेट अस रिवाइज डियर स्टूडेंट्स। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर टर्म्स मीन्स प्लूरल दे रखा है, एस लगा हुआ है, तो वो एन की वैल्यू होती है, और अगर टर्म वर्ड है सिंगुलर है, इफ़ इट इज़ सिंगुलर सिंगल है, nth टर्म, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म सिंगल है, तो वो क्या होगा, ए एन। अगर ऐसे तो एन। तो वी विल सी, लेट अस डू आर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो डियर स्टूडेंट्स, आर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ए पीज। वी हैव फोर पार्ट्स इन फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, ए पी इज गिवन टू अस, हमें बोला है सम निकालना है। वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, सम, सभी टर्म्स का सम निकालना है। तो अब देखते हैं वॉट इज ए, ए इज टू, डी क्या लिख देंगे, डी इज इक्वल टू सेवन माइनस टू, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, दैट इज फाइव, राइट, एंड सो ऑन अप टू टेन टर्म्स। नाउ अब हमें देखना है टेन क्या है, क्या ये एन दिया हुआ है या ए एन, क्या ये सीरीज की लास्ट टर्म है, ए एन है, नो दिस इज़ नॉट द लास्ट टर्म, सीरीज यहीं पर ख़त्म होगी, कॉमा आ गया है, टू टेन टर्म्स। और सेकेंडली यहाँ पर देख रहे हो दिस इज़ प्लूरल, तो जब भी एस है, तो मैंने अभी आपको बताया अगर टर्म्स हो, एस लगा हो, दैट मीन्स दिस इज़ एन, तो यहाँ पर एन गिवन है हमें, एंड एन इज इक्वल टू टेन, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, सम। तो सम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एस एन, बिकॉज लास्ट टर्म इज़ नॉट गिवन टू अस, ए एन नहीं है, तो हम एक्सपेंडेड फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट, टू ए, दिस इज एक्सपेंडेड फार्मूला। सो एन कितना दिया, टेन, और मतलब हम कितनी टर्म्स का सम निकालने जा रहे हैं, टेन टर्म्स का, टेन बाई टू इंटू टू ए, वॉट इज ए, द फर्स्ट टर्म टू, प्लस एन, एन इज़ वॉट, टेन माइनस वन इंटू डी, डी इज़ फाइव, सो वी कैन कैंसिल आउट, दिस विल बी फाइव, फाइव टू टू ज़ा फोर, यू रिमेंबर बॉड मास, सो प्लस अगेन बॉड मास में ब्रैकेट फर्स्ट, टेन माइनस वन इज नाइन मल्टीप्लाइड बाय फाइव, सो फाइव इंटू फोर प्लस, बिफोर एडिशन वी शुड डू मल्टीप्लीकेशन, नाइन फाइव ज़ा 45, सो 5 इंटू 45 प्लस 4 इज 49, एंड बाय मल्टीप्लाइंग इट विल गेट 245, सो दिस विल बी द सम ऑफ ऑल द 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो अदरवाइज हम क्या करते हैं, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 12 21, हमें सबको अलग अलग ऐड करना पड़ता, बट यहाँ इस फॉर्मूला से हमने फटाफट से 10 टर्म्स का सम निकाल लिया, and this is what. Similarly, dear students, you have four parts, second AP is given to you, third and this. So one more part I am doing for you, try the remaining two parts yourself. So dear students, the AP is minus 37, minus 33, minus 29 and so on up to 12 terms. Again S laga hua hai, means this is N. Ye kya given hai hume N. First term, this is A. तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 37, डी, डी क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, ए टू माइनस ए वन, सो व्हाट इज़ ए टू, माइनस 33। अब यहाँ आप क्या गलती कर देते हो, ऐसे लिख देते हो, नहीं बेटा, तो आपको क्या करना है, एक माइनस साइन फॉर्मूले का है यहाँ से, और ए वन खुद भी माइनस का है, सो दिस, सो माइनस 33 प्लस माइनस माइनस प्लस 37, सो डी विल बी 4, राइट, और एन की वैल्यू हमें दे रखी है, इट इज़
12. So in this way, you have A, you'll get A from AP, D from AP, A2 minus A1, and N. Terms word hai, that means this is N. ठीक है, तो अब हम लेट अस फाइंड आउट द सम सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स 12 टर्म्स एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब एन की वैल्यू 12 है तो मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सम ऑफ 12 टर्म्स. दिस इज व्हाट द वैल्यू एन इज 12 बाय 2 इंटू 2 ए. व्हाट इज ए? इट इज minus 37, so let us put it in the bracket because it is negative, plus n is 12 minus 1 into d is 4, so close the bracket. 6, so 6 multiplied by plus minus minus, and this will be 37 multiplied by 4 is how much? It is 74, right? Then plus 12 minus 1, 11 into 4, so 6 into minus 74 plus 11 fours are 44, and now plus minus minus, so 74 minus 44 karenge, 7 minus 4 4 minus 4 0, and this will be this, but greater number negative is, so sign will be negative. So plus minus minus, 6 threes are 18 or 0, that means the sum of 12 terms of this AP is minus 180. Ab minus mein kyon aaya? बिकॉज आप देख सकते हैं सभी नेगेटिव टर्म्स हैं, तो नेगेटिव टर्म्स का सम नेगेटिव ही आएगा ना. सो इन दिस वे ट्राई रिमेनिंग टू पार्ट्स योर सेल्फ नाउ. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सम. अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द सम सम ऑफ द टर्म्स. आप दे रखे हैं ये 70 प्लस 10 1 बाय 2 10 एंड हाफ प्लस 14 एंड 1 84. Now can you tell me what is this 84? Is it n or an? अब यहाँ पर plus हो रहा है, terms word नहीं लगा हुआ, s नहीं है, means this is an. इस बार ये series के अंदर ही plus किया जा रहा है, that means this is an. And this is the first term, that is a. So what is a? A will be 70. D. Now to find out d, d क्या होता है? A2 minus A1. इसे बेटा हम 10 एंड अ हाफ को हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके सिंपल भी लिख सकते हैं. 10 टू जा 20 प्लस 1 21 बाय 2, या फिर इसे हम कैसे रीड कर सकते हैं 10 एंड अ हाफ, और 10 एंड अ हाफ को हम कैसे लिख देते हैं 10.5 लिख देते हैं. तो अगर आप फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो डी आपको एलसीएम लेके करना पड़ेगा, अगर आप इस तरह से ले रहे हैं तो वी कैन डू इन दिस वे. सो 7 है, दिस इज द फर्स्ट टर्म इज 7, तो हम कर लेते हैं. तो आई एम टेकिंग दिस 10 एंड अ हाफ एज 10.5, तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म दैट इज 10.5 माइनस फर्स्ट टर्म 7. या फिर मैं क्या ले सकती थी, 20 प्लस 1 21 बाय 2, और 21 बाय 2 माइनस 7, तो उसमें हम एलसीएम लेते. सो 10.5 माइनस 7, तो जब इसे माइनस करेंगे विल गेट 3.5 एज द डी. डी हमारा क्या आ जाएगा, 3.5. एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव लास्ट टर्म, यहाँ पे प्लस 84 है, मीन्स ये टर्म है, दिस इज टर्म्स वर्ड साथ में नहीं लिखा हुआ, टर्म्स नहीं है, तो दिस इज नॉट एन, दिस इज ए एन. तो ए एन हमें दे रखा है 84. एंड एज आई टोल्ड यू बेटा, हमें जो दे रखा हो हमें पहले उसका फॉर्मूला लगाना है. अब निकालना तो हमें सम है, सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2 ए प्लस, और इस बार लास्ट टर्म दे रखी है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस ए एन, ये यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला. बट सी जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, आर डू वी हैव ऑल द थिंग्स, तो देख लेते हैं. एन इज एन गिवन टू अस, ए ए एन, ए इज देयर, ए एन इज देयर, क्या एन है हमारे पास? नो. इस ए पी में कितनी टर्म्स हैं वो नहीं पता, तो एज आई टोल्ड यू जो हमें गिवन होता है हमेशा क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करना है, देन विल डू द टू बी फाइंड आउट पार्ट. तो हमें ए एन गिवन है, विल स्टार्ट आर क्वेश्चन फ्रॉम हेयर. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर ए एन? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84. व्हाट इज़ ए? इट इज 7 प्लस
n minus 1 into d is 3.5 is equal to 84. So n plus n minus 1 into 3.5, 84, this plus 7, minus 7, क्योंकि यहाँ भी ये प्लस हो रहा है, तो so when you subtract it, you'll get 77. So n minus 1 into 3.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, 77 डिवाइडेड बाय 3.5. सो बाय डिवाइडिंग या डेसिमल रिमूव करके हमें क्या मिलेगा, बोथ 77 एंड 35 आर द मल्टीपल्स ऑफ 7, सो विल गेट 22. सो एन माइनस 1 इज 22, तो एन कितना आ जाएगा, 22 प्लस 1, एन इज इक्वल टू 23. तो जो भी आपको गिवन होता है, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम देयर. तो गिवन इज दिस, विल गेट एन. नाउ लेट अस फाइंड आउट कितनी टर्म्स का सम निकालना है हमें. 23 मींस दीज आर 23 टर्म्स, बीच में जो मिसिंग है उन सबको मिलाकर 23 टर्म्स का सम है. 23, सम ऑफ 23 टर्म्स, एन इज 23 बाय 2 इंटू ए इज 7 प्लस ए एन इज 84. इसमें हम दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब हमें ए एन गिवन है तो हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, विल यूज़ दिस. तो विल गेट 23 बाय 2 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 84 इज 91. सो बाय सॉल्विंग इट यूल गेट द सम ऑफ ऑल दीज 23 टर्म्स ऑफ APR 1046.5. सो दिस इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस APR. तो जब हमें ए एन गिवन हो, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ए एन फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ एन. सो ट्राई द रिमेनिंग टू पार्ट्स योरसेल्फ. सो डियर स्टूडेंट्स, हम कोई बात नहीं, अपने आप तो करना ही है, एक पार्ट और थर्ड पार्ट करके दिखा रही हूँ मैं. द ए पी इज माइनस 5, माइनस 8, माइनस 11 एंड सो ऑन अप टू माइनस 230. अगेन प्लस करके टर्म गिवन है, दैट इज ए एन. फर्स्ट टर्म ए इज माइनस 5, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, माइनस 8 जो कि सेकेंड टर्म है, माइनस ऑफ द फॉर्मूला माइनस फर्स्ट टर्म, तो दो साइन है, माइनस माइनस प्लस, सो डी विल बी माइनस 3. Now, as I told you, whatever is given to you, start from there. तो हमें ए एन गिवन है, हम ए एन के फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ एन. सो ए इज माइनस 5 प्लस एन माइनस 1 इन टू डी इज माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 230. तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस 5 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 5. सो विल गेट माइनस प्लस माइनस, तो 230 माइनस 5 करेंगे, विल गेट 225, बट नेगेटिव साइन. और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो माइनस 3 है, ये प्लस 3 नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो व्हेन इट गोज टू अदर साइड, इट विल गेट डिवाइडेड बाय दिस, एंड एज यू कैन सी द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट्स इज 9, 2 प्लस 2, 4 प्लस 5 इज 9, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 3. तो क्या आ जाएगा, 2 7s आर 21 एंड 5s आर 15. सो और ये माइनस 1 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 1, दैट मीन्स वी हैव 76 टर्म्स इन दिस एपी. और आप खुद सोच लो, अगर हमें इन 76 टर्म्स को अलग अलग प्लस करना पड़ गया तो सुबह से शाम हो जाएगी, और जो मिस्टेक होगी वो अलग. सो फॉर लेट अस यूज़ दिस फॉर्मूला डायरेक्टली टू कैलकुलेट एन. कितनी टर्म्स हैं, सम ऑफ 76 टर्म्स को ऐड करना है. एन इज 76 बाय 2, फर्स्ट टर्म इज माइनस 5 प्लस लास्ट टर्म इज माइनस 230. जब भी दो साइन एक साथ आते हैं, पुट द ब्रैकेट. सो दिस इज इवन नंबर, हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 इज 6 एंड 16 8 इज राइट. तो इसके बाद सॉल्व करेंगे, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 230, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, बोथ आर नेगेटिव, तो साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम ऐड करेंगे 235. सो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड बाय मल्टीप्लाइंग इट विल गेट, सो द आंसर विल बी माइनस 8930. सो देख लो कितना बड़ा आंसर आया. और अगर हमें ये ऐड करनी पड़ जाती 76 टर्म्स सारी, तो हमारी डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती. सो दिस इज़ द easiest way to
sum up any series of numbers, but the condition is the series of number must be NAP. So I hope it is clear to you. Now dear students, complete question number 1 and 2 yourself and try question number 3 also yourself, because all the things are given to you और आपको बताया मैंने जो गिवन है उसी से पहले स्टार्ट करें टू गेट द अननोन टर्म्स. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. लेट्स ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चंस आल्सो योरसेल्फ एंड थैंक्स एंड